नमस्कार नॉनस्टॉप नेशनल बुलेटिन साथ हूँ छु देवांग जो समाचार नॉनस्टॉप अंदाज में। यूके प्रेस्टन शहर में वर्ष 2023-24 गुजरात भरूच शहर में जन्मेला यूके में स्थायी थे याकूब पटेल मेयर तरीके चूंटाया है। वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी में स्नातक और अनुस्नातक अभ्यास करना याकूब पटेल भारतीय मूल प्रथम मुस्लिम मेयर बनया है। स्थानिक बंधारण अनुसार याकूब पटेल काउंसिल बैठक की अध्यक्ष स्थाने बिराजे और समग्र कार्यकाल दरमियान शहर प्रतिनिधित्व करता औपचारिक वड़ा तरीके फरज बजाव। याकूब पटेले अंग्रेजी साहित्य में बीए और एमए की डिग्री हासिल करी है। जून 1976 में यूके गया था और 1979 में प्रेस्टन कॉर्पोरेशन साथ कारकिर्दी की शुरुआत करी थी। युक्रेन साथ युद्ध ने कारण विश्व की अलग पड़ेलू रशिया फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स में सहयोग भारत पर दबाण कर रही है। एक अहेवाल अनुसार रशियाए कहू है कि जो भारत रशिया ने ब्लेकलिस्ट अथवा ग्रे लिस्ट में नहीं बचावे तो भारत साथ संरक्षण और ऊर्जा सौदा ने समाप्त कर देश। फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स एक आंतरराष्ट्रीय संस्था है जो आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुनाओं ने रोकने प्रयास करे। ब्लेक अथवा ग्रे लिस्ट में सामेल देश पर देखरेख राखे नाणाकीय सहाय बंद करे। एक रिपोर्ट अनुसार पर्दा पाछळ रशिया भारत सहित ग्लोबल साउथ ना घणा देशों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ना लिस्ट माथी बचावा माटे दबाण करी रह्यु छे। पाकिस्तानना संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफे जणाव्यु के 9 मे ना रोज बनेली घटना बाद सरकार पीटीआई पार्टी पर प्रतिबंध मुकवा मुद्दे विचार करी रही छे। तेमणे कह्यु के हाल में आ मुद्दे कोई निर्णय लेवामां आव्यो नथी परंतु समीक्षा करवामां आवी रही छे। संरक्षण मंत्री पीटीआई पार्टी सेना कार्यालय पर हुमलो करीने राष्ट्रनी स्थापना ने पड़कारी छे। ख्वाजा आसिफे जणाव्यु के शू 9 मे ना रोज कोई गुनो थयो ज नथी। मंत्री आरोप लगाव्यो के आईएसआई नी कचेरी पर हुमलो करवामां आव्यो हतो। सियालकोट में पण कैंटोनमेंट पर हुमलो करवामां आव्यो हतो परंतु ए निष्फळ गयो हतो। पाकिस्तानना संरक्षण मंत्री आरोप लगाव्यो के अत्यार सुधी इमरान खाने 9 मे ना रोज थयेली हिंसा की टीका करी हती। वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण केस में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने रामपुर की सेशन्स कोर्टे निर्दोष छोड़ा है। वर्ष 2019 लोकसभा चूंटनी दरमियान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विषय विवादास्पद टिप्पणी की थी। आ पहला ट्रायल कोर्टे आ केस में आजम खान ने दोषित मानी 3 वर्ष की सजा फटकारी थी। ट्रायल कोर्ट चुकादा सामे आजम खाने रामपुर की सेशन्स कोर्ट में अपील अरजी दाखिल करी थी। पुलिस 9 एप्रिल 2019 रोज आईपीसी की कलम 153A 505/1 हेठ गुनो दाखिल कर कार्यवाही हाथ धरी थी। अनिल कुमार नामना चूंटनी अधिकारी मिलाक विधानसभा मत विस्तार में बंधारणीय पद पर हाजर लोग विरुद्ध कथित अभद्र भाषा उपयोग करने बदल फरियाद दाखिल करी थी। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप 100 प्रतिनिधिओं बॉम्बे म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की मुलाकात लीधी थी। बीएमसी की मुलाकात दरमियान G20 प्रतिनिधिओं हेरिटेज वॉक करी थी और डिजास्टर मैनेजमेंट रूम अभ्यास करो। बीएमसी की मुलाकात दरमियान G20 प्रतिनिधिओं म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा लेवायेला पगलानो अभ्यास करो। G20 प्रतिनिधिओं की स्टडी टूर में कुदरती और मानवसर्जित विविध कटोकटी की स्थिति में तैयारी और बचाव केवी रीते करवामां आवे छे तेना पर वधु भार आपवामां आव्यो हतो। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप प्रतिनिधिओं ने बीएमसी द्वारा संचालित आपदा मित्र कार्यक्रम विषय पर माहिती आपवामां आवी हती। आ मुद्दे बातचीत करता मुंबई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन इकबाल सिंह चहले जणाव्यु के 8 G20 बैठकों आयोजन मुंबई माटे गर्वनी बात छे। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में हाजरी आपवा आवेल विविध देशों प्रतिनिधिओं लालचौक पासे आवेल पालो व्यू मार्केट की मुलाकात लीधी थी। G20 बैठक 24 मार्चे त्रीजो दिवस हतो। आ मुद्दे बातचीत करता भारत में सिंगापुर राजदूत साइमन वोंगे जणाव्यु हतुं के कश्मीर खूब ज छे अने आ माटे तेने पृथ्वी पर स्वर्ग कहेवामां आवे छे। तेमणे कह्युं के गईकाले अमे श्रीनगर में घणी खरीदी करी अने आजे पण केटलाक अहींना स्थानिक प्रोडक्ट खरीद्या छे। वोंगे कह्युं के लोको एकवार कश्मीरनी मुलाकात जरूर लेवी जोईए। उल्लेखनीय छे के G20 बैठक में संयुक्त राष्ट्रना केटलाक प्रतिनिधिओए पण हाजरी आपी हती। Very, very beautiful experience. Love it here. Even though the rain, there's a little bit of rain, but we really liked it a lot. Beautiful, heaven on earth. Yesterday we did a lot of shopping. Today we intend to continue. So I think pure beauty of Kashmir and many unique products
tourists around the world should visit Kashmir. दिल्ली में नवी संसद भवन नु उद्घाटन पीएम मोदी ने हस्ते करवानी जाहेरात बाद विपक्षी दलों विरोध कर रहा है त्यारे केंद्रीय गृहप्रधान अमित शाह जणाव्युं के 28मी मे ना रोज वडाप्रधान मोदी नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र ने समर्पित करशे। तेमणे कह्युं के नवी संसद भवन ना बांधकाम में 60,000 जेटला श्रमिकोए पोतानुं योगदान आप्युं छे। अमित शाहे कह्युं के पीएम मोदी नवी संसद नुं निर्माण करनार तमाम श्रमिकोनुं सन्मान पण करशे। तेमणे कह्युं के सेलोंग ने नवी संसद भवन में राखवामां आवशे। शाहे दावो कर्यो छे के सेलोंग नुं आपणा इतिहास में महत्वनुं योगदान छे। सेंगोल मृताकालनुं प्रतिबिंब हशे। शाहे कह्युं के सेंगोल अंग्रेजों पासेथी सत्ता मेळवानुं प्रतीक छे अने स्वतंत्रता पछी तेने भूलावी देवामां आव्युं छे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। आगामी 28मी मे दिवसे वडाप्रधान हस्ते नवा संसद भवन उद्घाटन थवानुं छे, जेमां देशभरना सांसदों और अग्रणी नेताओं ने आमंत्रण छे। जो कि कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों आ कार्यक्रम नो बहिष्कार करी शके छे। नवा संसद भवन उद्घाटन माटे लोकसभा और राज्यसभाना तमाम पूर्व स्पीकर और अध्यक्षों, राज्यों मुख्यमंत्रीओ और बने गृहना सांसदों समावेश थाय छे। आमंत्रण पत्र भौतिक और डिजिटल बने स्वरूप में मोकलवामां आव्या छे। आ सिवाय भारत सरकारना तमाम मंत्रालयोना सचिवों ने पण आमंत्रण मोकलवामां आव्युं छे। आ दरमियान कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों आ कार्यक्रमनो बहिष्कार करी शके छे। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम ए नवा संसद भवनना उद्घाटन समारोह में हाजरी न आपवानी जाहेरात करी चूक्या छे। पीएम मोदी हस्ते नवा संसद भवन 28मी मे रोज उद्घाटन कर विपक्षी दलों लोकार्पण कार्यक्रम बहिष्कार करने चीमकी आपी है। तरह केन्द्रीय संसदीय बाबतों मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्युं के हूँ विपक्षी दलों ने कहवा मांगू छू कि आ खूब ऐतिहासिक घटना है। तेमणे कहू कि आ समय राजकारण करवानुं नथी। केन्द्रीय मंत्रीए कहू कि लगभग 100 वर्षना समयगाळा बाद ऐतिहासिक घटना थवा जई रही है और मतलब विनानो मुद्दो बनाव खूब दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रहलाद जोशीए विपक्षी दलों ने फरीवार तेमना निर्णय पर फेरविचारणा करवानी अपील करी छे। तेमणे विपक्षी दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम में सामेल थवा रजूआत करी छे। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन ए सेंचुरी ए हिस्टोरिकल थिंग इज हैपनिंग। तो बॉयकॉटिंग and making issue out of a non issue is most unfortunate. नवा संसद भवन ना उद्घाटन कार्यक्रम में देश राष्ट्रपति ने आमंत्रण न आपू ए आदिवासी समाज, दलित समाज, पछात समाज नु अपमान छे अने ते दर्शावे छे के भाजपनी मानसिकता आदिवासी, दलित अने पछात विरोधी छे। अन्यथा जो तमे संसद ना उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लो अने राष्ट्रपति ने बोलावता नथी तो तमे शुं संदेश आपवा मांगो छो? आप पार्टी आ कार्यक्रम नो बहिष्कार करशे अने अमे तेमां हाजरी आपीशुं नहीं। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? नवा संसद भवन ना उद्घाटन समारोह ने लई अजदुद्दीन ओवैसीए कहू कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति नवा संसद भवन उद्घाटन न करव जो नवा संसद भवन की जरूरियात स्वीकार करता ओवैसीए कहू कि
अमने तेनी जरूर छे ते वात ने नकारी शकाय नहीं, परंतु वडाप्रधान द्वारा तेनो उद्घाटन योग्य नहीं, कारण के ते सत्ताना विभाजनना सिद्धांतनी विरुद्ध छे। उद्घाटन लोकसभाना अध्यक्ष द्वारा थवुं जोईए, कारण के तेओ संसदना रखेवाल छे। ओबीसीए वडाप्रधानने पीछे हट करवा अने स्पीकर ओम बिरलाने उद्घाटन करवा देवानी अपील करी हती। जो वडाप्रधान आवुं करशे तो अमे चोक्कस कार्यक्रममां हाजरी आपीशुं तेम जणाव्युं हतुं। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री ने बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं। देश की नवी संसद भवन नु उद्घाटन 28 मे ना रोज थवानु छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आ इमारत नु उद्घाटन करशे, परंतु तेना उद्घाटन समारोह ने लई देशभर में राजकारण गरमायुं छे। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्राए पण आ कार्यक्रम नो बहिष्कार करवानी वात करी छे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करता तेमणे कह्युं के आ पीएम मोदी नी हाउस वोर्मिंग सेरेमनी नथी, संसदीय लोकशाही नी प्राथमिकताना क्रम मुजब राष्ट्रपति प्रथम, उपराष्ट्रपति बीजा अने वडाप्रधान त्रीजा स्थाने आवे छे। आ पीएम मोदी नुं घर नथी जे तेमणे पोताना पैसाथी बनाव्युं हतुं। तो बीजी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कोंग्रेस 28 मे ना रोज आ कार्यक्रममां हाजरी नहीं आपे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी 28 मे ना रोज नवा संसद भवन नुं उद्घाटन करशे। कोंग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टीओ नवा संसद भवनना उद्घाटन समारोहनो बहिष्कार करवानी जाहेरात करी छे। आ बधानी वच्चे राहुल गांधीए ट्वीट करी जणाव्युं के नवा संसद भवनुं उद्घाटन राष्ट्रपतिना हाथे न करवुं એ યોગ્ય નથી। राहुल गांधीए वधुमां कह्युं के राष्ट्रपति ने संसदना उद्घाटन समारोहमां आमंत्रण न आपवुं એ દેશના સર્વોચ્ચ બંધારણીય પદનું અપમાન છે। તેમણે લખ્યું કે સંસદ અહંકારની ઈંટોથી નહીં પરંતુ બંધારણીય મૂલ્યોથી બનેલી છે। આ પહેલા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિએ કરવું જોઈએ, વડાપ્રધાને નહીં। દિલ્હીમાં નવા સંસદ ભવનના ઉદઘાટન મુદ્દે વાતચીત કરતા આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્માએ જણાવ્યું કે વિપક્ષી દળોએ નવા સંસદ ભવનના નિર્માણ કાર્યનો વિરોધ કર્યો હતો અને તેમણે ક્યારેય આવું વિચાર્યું નહીં હોય કે સંસદ ભવનનું નિર્માણ આટલી ઝડપથી થઈ જશે, જેથી આ બાબતો તેમના માટે પાઉન્સર સમાન છે અને માટે વિપક્ષી દળો ડ્રામા કરી રહ્યા છે। હેમંત બિસ્વા શર્માએ કહ્યું કે વિપક્ષી દળોએ ક્યારેય પણ નવા સંસદ ભવનના નિર્માણ કાર્યનું સમર્થન કર્યું નથી। તેમણે કહ્યું કે સાવરકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે નવા સંસદ ભવનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તેના માટે પણ તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। The construction of Parliament House at the first place. And they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one, they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ જયરામ રમેશે ભાજપના નેતાના નિવેદનને લઈ કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પર પ્રહાર કર્યા। મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસે બીજેપી સાંસદ કેપી યાદવનો એક વિડીયો ટ્વિટર પર શેર કરી દાવો કર્યો છે કે તેઓ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાને નિશાન બનાવી રહ્યા છે। આ વિડીયોને રીટ્વીટ કરતા જયરામ રમેશે લખ્યું, વિશ્વાસઘાતનું પરિણામ ન ઘર કે રહે ન ઘાટ કે। મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસે દાવો કર્યો હતો કે બીજેપી સાંસદ કેપી યાદવે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે ભીડમાં કેટલાક મૂર્ખ લોકો છે જેમને એ પણ ખબર નથી કે આપણે સ્ટેજ પર શું બોલવું છે। ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ આઝાદ પાર્ટીના પ્રમુખ ગુલામ નબી આઝાદે નવા સંસદ ભવનના ઉદઘાટન કાર્યક્રમ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે આજથી લગભગ 30-32 વર્ષ પહેલા જ્યારે પીવી નરસિંહા રાવ ભારતના વડાપ્રધાન હતા ત્યારે હું સંસદીય બાબતોના મંત્રી હતો।
એ સમયગાળા દરમિયાન તત્કાલીન સ્પીકર શિવરાજ પાટીલે મને જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2026 પહેલા નવા સંસદ ભવનનું નિર્માણ થવું જોઈએ. ગુલામનબી આઝાદે કહ્યું કે નવા સંસદ ભવનનું બાંધકામ જરૂરી હતું અને સારું છે, તેનું નિર્માણ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું છે. જો કે કોણ હાજરી આપશે અને નહીં આપે એ વિશે હું ટિપ્પણી કરવા માંગતો નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે વાયએસઆરસીપી પાર્ટીએ નવા સંસદ ભવનના ઉદઘાટન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની જાહેરાત કરી છે. દિલ્હીમાં 28મી મેના રોજ દેશની નવી સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે કરવાની જાહેરાત બાદ વિપક્ષી દળો આક્રમક થયા છે. 19 વિપક્ષી દળો દ્વારા એક સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કર્યું છે, જેમાં વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે નવી સંસદ ભવનના ઉદઘાટનનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. સંયુક્ત નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને સાઇડલાઇન કરી પીએમ મોદી દ્વારા નવા સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન કરાવવાનો નિર્ણય ન માત્ર રાષ્ટ્રપતિનું અપમાન છે, પરંતુ દેશની લોકશાહી પર હુમલો છે. બંધારણના આર્ટિકલ 79 પ્રમાણે સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિ અને બે ગૃહનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ભારતના વડા છે અને સંસદ તેમના વિના કાર્ય કરી શકે નહીં, પરંતુ વડાપ્રધાન મોદી રાષ્ટ્રપતિ વિના સંસદ ભવનનું ઉદઘાટન કરવા માંગે છે, જે રાષ્ટ્રપતિ અને બંધારણનું અપમાન છે. The day when we heard about the inauguration of new parliament building by the Prime Minister of India, we are, Congress party is consulting with all like-minded opposition party. We, that day itself, we given a reaction on this. This is actually undermining the President of India. And it is actually undermining the spirit of the Constitution. કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા અને સાંસદ મણિકમ ટેગોરે જણાવ્યું કે વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે રાહુલ ગાંધીને પીએમ પદના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ તરફથી રાહુલ ગાંધીને પીએમ પદના ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવે. વર્ષ 2019માં મોદી અટક મુદ્દે આપેલ નિવેદન કેસમાં સુરતની કોર્ટે રાહુલ ગાંધીને દોષિત માની 2 વર્ષની સજા ફટકારી હતી અને ત્યારબાદ તેમણે લોકસભાની સદસ્યતા ગુમાવી હતી. ટેગોરે કહ્યું કે આપણે પીએમ પદના ઉમેદવાર માટે સ્પષ્ટ જાહેરાત કરવી જોઈએ. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમાર અને એનસીપીના અધ્યક્ષ શરદ પવારે જણાવ્યું કે તેઓ પીએમ પદના ઉમેદવારની રેસમાં નથી અને તેઓ વિપક્ષી દળોને એકજૂટ કરવાના પ્રયાસમાં જોડાયા છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે બુધવારે મુંબઈમાં શિવસેનાના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે તેમના નિવાસસ્થાને મુલાકાત કરી હતી. દરમિયાન કેજરીવાલે રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રમાં સેવાઓના નિયંત્રણ મુક્ત કરવાના કેન્દ્રના વટહુકમ સામે આમ આદમી પાર્ટીની લડાઈમાં ઉદ્ધવનું સમર્થન માંગ્યું હતું. ઉદ્ધવ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન, આપના રાજ્યસભાના સભ્યો સંજયસિંહ અને રાઘવ ચડ્ડા પણ હાજર રહ્યા હતા. દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશમાંથી લોકશાહીને દૂર કરવા માંગે છે. મને લાગે છે કે દેશની દરેક વિપક્ષી પાર્ટીઓ એક થવાની જરૂર છે. વિપક્ષી પાર્ટીઓ લોકશાહીને બચાવવા એક થાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે. स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है. इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है. विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं, आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए. કર્ણાટકના ઉપમુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે જણાવ્યું કે અમે પ્રદેશમાં કોઈને પણ કાયદો હાથમાં લેવા દેશું નહીં, ભલે પછી એ કોંગ્રેસનો વ્યક્તિ હોય કે અન્ય કોઈ પાર્ટીનો વ્યક્તિ હોય, કોઈને કાયદો હાથમાં લેવાની સત્તા નથી. તેમણે કહ્યું કે કાયદાનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય પોલીસનું છે. ડીકે શિવકુમારે દાવો કર્યો કે પ્રદેશમાં 3-4 જગ્યા પર પોલીસ કર્મચારીઓ તેમની ખાકી વર્દીની જવાબદારી નેવે મૂકી રાજકીય પક્ષના ઇશારે કામ કરે છે. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ બંધારણીય નથી. તેમણે કહ્યું કે પોલીસ કર્મચારીઓ દેશના કાયદા પ્રમાણે કામગીરી કરવી જોઈએ. દેશ અને કાયદો સર્વોપરી છે. કર્ણાટકમાં કેબિનેટના વિસ્તરણ મુદ્દે ડીકે શિવકુમારે કહ્યું કે આ મુદ્દે પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જવાબ આપી શકે છે. Honorable Chief Minister, former Chief Minister said, why not saffronization, why not moral policy? We will not allow any poor, anyone to take the law into the hands. It may be a congressman, it may be any other political party. No one should take the law into the hands. The law should be protected by the police. વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન દેશના વિવિધ ભાગોમાં શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેની સેવાથી દેશના લોકો પણ ખૂબ સંતુષ્ટ છે. ત્યારે ગુરુવારે વડાપ્રધાન મોદી ઉત્તરાખંડમાં વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે. પીએમ મોદી 25 મેના રોજ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી વંદે ભારત ટ્રેનને ફ્લેગ ઓફ કરશે.
पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। 25 तारीख को इसका इनॉग्रल रन होने वाला है और ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जी द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा और स्टेशन पर माननीय रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय और विधायक और एमएलए जी जो एमपी जी रहेंगे वहाँ पे, ये सारे लोगों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मेना रोज सरकारी कार्यक्रम में हाजरी आपवा माटे आसाम ना गुवाहाटी शहर की मुलाकात जशे। आसाम सरकार ना अधिकारी द्वारा जारी करवामां आवेल विगतो प्रमाणे 25 मेना रोज आसाम सरकार 45,000 सफल उम्मीदवारों ने निमणूक पत्र आपशे। अमित शाह जे कार्यक्रम में हाजर रहेवाना छे तेनुं आसाम ना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्माए निरीक्षण कर्युं हतुं। पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी ही कांग्रेस की तब जिसमें मैं कांग्रेस में था ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की और जरूरी भी थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था क्योंकि 2026 में अब ज्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी और अगर सरकार चाहे तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से, तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है, तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, जरूरी थी, तो वो हो गया। अब कोई इसमें बाइकॉट करता है नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पंजाब ना अमृतसर में गैंगस्टर जनरल सिंह की हत्या करवामां आवी छे। प्राप्त माहिती अनुसार केटला अज्ञात लोगों जनरल सिंह पर 20-25 गोलियों मारी हती, जेमां जनरल नुं घटनास्थले मौत थयुं हतुं। घटना अमृतसर ना बाबा पकाला पासेना सथियाला गामनी छे। अहीं केटलाक लोगों जनरल सिंह पर फायरिंग शुरू कर दीधुं हतुं। घटना बाद जनरल सिंह ने हॉस्पिटल लई जवामां आव्यो हतो, ज्यां डॉक्टरोए तेने मृत जाहेर कर्यो हतो। पोलीसे आ मामले तपास शुरू करी छे। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय थयेल साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की असर हवे राजस्थान में पण जोवा मळी रही छे। जयपुर अने तेना आसपासना विस्तारों में बपोरे हवामान पलटो आव्यो हतो। शहर में वरसाद अने केटलीक जग्याओ पर छूटा छवाया करा पड़ता लोकोने गरमीमांथी राहत मळी हती। जयपुर में सवारना समयथी ज वादळछाया वातावरण सर्जायेलुं हतुं। वरसादना कारणे तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियसनो घटाडो नोंधायो हतो। जयपुर सहित राजस्थानना 10 जेटला जिल्लामां नोंधपात्र वरसाद पड्यो हतो। हवामान विभाग साथे संकळायेल विशेषज्ञों जणाव्युं कि आगामी 2-3 दिवस दरमियान हवामान में फेरफार थवानी संभावना नहिवत छे। धौलपुर में वीजळी पड़वाने कारणे 5 महिलाओ इजाग्रस्त थई छे। सीकर अने फतेहपुर में पण वरसादने कारणे नीचाणवाळा विस्तार में पाणी भराई गया हता। पिछले 3-4 दिनों से जो इतनी गर्मी का, प्रचंड गर्मी का जो जयपुर के अंदर मौसम था, वो आज जो है नौतपा होने के बावजूद, शुरू होने के बावजूद भी जो है आज बादलों ने, प्रकृति ने ऐसा बढ़िया जो है पानी बरसाया है कि नौतपा की जो गर्मी है बिल्कुल भी जो है ठंडक में बदल गई है। और आप पीछे देखेंगे तो कैसे रोड लबालब है और ओले गिरे हैं आज, तो हर आदमी मेरे हिसाब से आज खुश है कि कम से कम ये कि उसको कूलर से और एसी की राहत मिलेगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा, मौसम का आनंद लेगा। भारतीय हवामान विभागे जणाव्युं कि वेस्टर्न डिस्टर्बन्सने कारणे उत्तर पश्चिम भारतना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित केटलाक राज्योमां 26 मे सुधी वरसाद पड़वानी शक्यता व्यक्त करी छे। हवामान विभागे केटलाक जग्याए छूटोछवाया स्थळो पर करा पड़वानी पण संभावना व्यक्त करी छे। आ कारणे घणा राज्योमां हीटवेवनी स्थिति उत्पन्न नहीं थाय तेवी शक्यता छे। हवामान विभाग प्रमाणे 23 मे थी 24 मे सुधीना समयगाळामां उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अने दिल्लीमां 50-60 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाई शके छे। आ साथे ज आगामी 4 दिवस दरमियान पूर्वी भारतना आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम अने त्रिपुरामां गाजवीज साथे छूटो छवायो वरसाद पड़ी शके छे। अभी जो 24 में आज जो लेटेस्ट यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिम विक्षोभ, वो पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ पाकिस्तान, और ऑलरेडी कल रात से जो है हमारा जो उत्तर भारत है, चाहे हिमालय का जो पश्चिम क्षेत्र है जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ भी बारिश हो रहा है और उसके साथ साथ प्लेन में भी हुआ है। तो ज्यादा जो इनकी जो इम्पैक्ट रहा पंजाब और हरियाणा में है, दिल्ली में थोड़ा डस्ट आया था, डस्ट राइजिंग विंड कल
क्लाउड भी बन रहा है और तापमान जो है वो फॉल है। कल जो था वो लास्ट डे था हीट वेव का।